डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। पब्लिश द बुक स्पीशिस प्लान एंड प्रोवाइडेड प्लाट्स किसने बुक रिलीज करी थी पब्लिश करी थी स्पीशीज प्लांटरम एंड प्रोवाइड किया था बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो एक एक करके इनका हम देखते हैं इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था चार्ल टार्विन बोला जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन क्यों क्योंकि मेनली इन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया था तो डाविन जो होता है वो तो एवोल्यूशन की साइड के हो गए इन्होंने टेक्जोनोमी में कुछ काम नहीं किया था तो ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट नेक्स्ट इज रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी सेल की डिस्कवरी करी थी अंडर माइक्रोस्कोप तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हो गया नेक्स्ट इज केरोलस लिनियस विच इज द राइट आंसर लिनियस जिनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोला जाता है फादर बुक को लिखा था इन 1753. 1753 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था अब बुक पब्लिश किया तो उसमें कुछ लिखा भी होगा किस बारे में थी ये बुक तो ये नाम में ही छिपा हुआ है इन्होंने कई सारे प्लांट्स की प्लांट्स की स्पीशीज को नेम किया था इनके नेम रखे थे एंड इन्हें कैटेगराइज किया था इसी बुक के अंदर जितनी स्पीशीज वो जानते थे उसका उन्होंने नाम रखा एंड इनको कैटेगराइज किया इस इसका नाम है स्पीशीज प्लांटरम में से प्लांट तो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इसलिए तो कैलस लस विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट इज एंटन लिविन हु ने डिस्कवर किया था फर्स्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया को सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था माइक्रो प्लानिज्म को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन थ्री क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर